हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल मील्स एंड मेमोरीज में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। ये पुलाव बहुत जल्दी बन के रेडी होते हैं। इसे आप चाहे लंच में बनाइए, डिनर में, या फिर आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो ये फटाफट से राइस बना लीजिए। ये बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए कम टाइम और कम मेहनत वाले अपने वेजिटेबल पुलाव हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोभी, कैरेट, कैप्सिकम और बीन्स का यूज़ किया है। ये देखिए, मैंने इन सभी को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में हमें नहीं कट करना है। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप ऑयल अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होने देंगे। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा। जब जीरा तड़कने लगेगा तो हम उसमें डाल देंगे लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची। गैस का फ्लेम अभी आप लो ही रखिएगा। इनको एक बार अच्छे से चला लीजिए। हम इसमें कुछ डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे काजू और किशमिश का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। अब डाल देंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है। इसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए, अब हमने सारी अपनी वेजिटेबल्स जो हमने कट की हैं वो उसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें लो फ्लेम पे ही इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक। नमक डालने से हमारी जो वेजिटेबल्स वो जल्दी पकेंगी, साथ ही नमक का स्वाद भी इनमें आ जाएगा। ढककर हमें इसके 2 से 3 मिनट और पकाना है और साथ में आप इसके बीच बीच में चलाते रहिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे बासमती राइस। मैंने इसको धोकर आधे घंटे पानी में भिगा लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही हम इसको 2 से 3 मिनट और चलाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे मिक्स नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट ही हमें इसको पकाना है लो फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि हमें चावल और सब्जियां हैं उसमें अच्छे से मिक्स होकर डूब जाएं। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होता है। ज़्यादा पानी डालने से हमारे चावल जो खिले खिले नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, एक बॉयल आ गया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर ढक कर 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए, 7 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है। अभी मुझे थोड़ा सा पानी नीचे लग रहा है, इसलिए मैं इसको 2 मिनट और पकाऊंगी लो फ्लेम पर। ये देखिए, पानी अच्छे से सूख चुका है। बस हमें इसी स्टेज पे अब इसमें गैस को बंद कर देना है। बस 2 से 3 मिनट हमें इसे ऐसे ढक के छोड़ देना है। ये देखिए, 2 मिनट के बाद मैंने अपने राइस को खोला है। ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये राइस आप चाहे लंच में बना सकते हैं, डिनर में बनाइए, या आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तब भी आप इसे बना के खिलाइए। यकीन मानिए, आपके गेस्ट आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे। आप इसे रायते के साथ खाइए, दाल के साथ खाइए, किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा यदि आप इसको रायते के साथ खाएंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।